अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम रिजवान एक वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। देखिए, आप ये जो जंगल की जड़ी बूटी देख रहे हैं, ये जंगल की जड़ी बूटी है और जंगल से लाई जाती है। और ये किस काम में आती है मैं आपको बता रहा हूँ। आप जंगल की जड़ी बूटी देख रहे हैं, तो जंगल की जड़ी बूटी किस काम में आती है? जैसे पेट बढ़ता है और बरम आ जाता है, पेट बढ़ता है बरम आ जाता है, लीवर पे बरम आ जाता है, हाथ पैर सूज जाते हैं। ये जड़ी बूटी बहुत जल्द आराम करती है। खून की चाल भी बढ़ती है इससे, और भी बहुत गुप्त मर्जों में काम आती है। तो ये जंगल की जड़ी बूटी है, ये जंगल से लाई जाती है, आप देख रहे हैं। और ये ग्रेटेड दवाई है, ये जल्द से जल्द बरम हाथ पैर पे किसी भी जगह पे हो, पेट में हो या लीवर पे हो, बरम आ जाता है, खाना कम खाया जाता है, भूख नहीं लगती है, और आपके शरीर में कोई भी रोग है ऐसा, तो उसको बहुत जल्द दूर कर देती है। जंगल की जड़ी बूटी है आप जो देख रहे हैं। आपको अगर ये दवाई मंगाना है तो हम अपना नंबर वीडियो में दे रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, तो ये दवा मंगा सकते हैं। ये दवाई एकदम ओरिजिनल है, जंगल की जड़ी बूटी है, जंगल से मंगाई जाती है, और ये सब जंगल की जड़ी बूटी है। ये कई जड़ी बूटी रखी हुई हैं, ये सब मिलाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया पेट के बारे में, लीवर के बारे में, और जैसे भूख नहीं लगना, हाथ पैर सूज जाते हैं, बरम आ जाता है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये बहुत अच्छा काम करती है। आप ये जंगल की जड़ी बूटी देख रहे हैं, ये ओरिजिनल जड़ी बूटी है, इसमें कोई मिलावट नहीं। अब इसका तरीका ये, जैसे कि हम एक पुड़िया बनाएंगे, तो उस पुड़िया को एक गिलास पानी में खौलाना होता है, और खौलाने के बाद उसको ठंडा करके छान करके पीना होता है, इसका जूस बन जाता है ओरिजिनल। फिर इसको फेंकते नहीं है, सुबह को भी शाम को भी इसी तरीके से एक पुड़िया दो टाइम चलती है, एक गिलास पानी डाल के आधा गिलास रहना है, उसको पकाना है, तो इसका असली जूस बन जाएगा। तो ये तरीका होता है, और ये इसीलिए फ़ायदा करती है। तो ये घर पे ही ये इस्तेमाल इसी तरीके से करी जाती हैं, ये ओरिजिनल होती हैं। तो इनको जैसे हमें देना है 100 ग्राम या 150 ग्राम की पुड़िया बनी हुई, तो उसको खुलाया जाता है एक गिलास पानी में, तो उसका जूस बन जाता है। तो उसको खुलाने के बाद एक गिलास पानी खोलते खोलते आधा रह जाता है, तो उसको छान लेना और फिर उसको ठंडा करके पीना है। इस तरीके से ही दवा इस्तेमाल होती है सुबह और शाम। ये ओरिजिनल है, मैंने आपको दिखा दिया, आपको मंगाना है तो मैं नंबर दूंगा, नंबर पर कॉल करें, आपको दवाई मिल जाएगी। ये 10-15 जड़ी बूटी हैं आप देख रहे हैं, ये सब जड़ी बूटी हैं, इनको सबको मिलाकर हम देते हैं, जो पुड़िया हम बांधते हैं सबको मिलाया जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।